सीरियल अनुपमा में अब अनुपमा की वजह से एक और मौत होने वाली है शाह फैमिली में। जी हाँ, किसकी मौत होगी, क्यों होगी, क्या है पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से समर के मौत को पूरे 13 दिन हो गए और 13 दिन बाद परिवार वाले सदमे से निकलने का ट्राई कर रहे हैं। डिम्पी भी उस सदमे से निकलने का ट्राई कर रही है, तो वही परी के साथ हंसते खेलते नजर आई। आपको बता दें कि अब हमने देखा कि किस तरह से सोनू के पिता अनुपमा के घर आए थे अनुपमा को और शास को धमकाने के लिए कि सोनू के खिलाफ जो केस है उसे वापस ले लिया जाए। लेकिन अनुपमा और शाह फैमिली ने ऐसा नहीं किया और इसकी सजा भुगतनी पड़ी काव्या को। जी हाँ, आपको बता दें कि हमने देखा कि किस तरह से काव्या हॉस्पिटल से वापस आ रही थी, तो वही काव्या जिस ऑटो में बैठी थी वो ऑटो ड्राइवर नहीं बल्कि गुंडा था, और गुंडा काव्या से ये कहते नजर आते हैं कि तेरे पति को बोल दे कि वो केस वापस ले ले, वरना एक बेटा तो गया ही, दूसरे की भी मौत हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए उस ऑटो ड्राइवर ने काव्या को रिक्शा से बाहर निकाल कर फेंक दिया और काव्या के पेट में जोर से चोट लग गई और काव्या बहुत जोर से चिल्ला उठी। तो आपको बता दें कि अब ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि अब काव्या का मिसकैरेज हो जाए। जी हाँ, अब जो भी होगा ये तो सीरियल के कल के एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन आपको बता दें कि फैंस ऑलरेडी अनुपमा पे आग बबूला है, अनुपमा जो कुछ भी अनुज के साथ कर रही है। लेकिन अब अगर अनुपमा की वजह से काव्या के बच्चे की मौत हो जाती है तो फिर तो फैंस का गुस्सा फूट फूट कर बरसेगा अनुपमा पे, क्योंकि कुछ फैंस का तो ये भी कहना है कि माया की भी तो जान ऐसे ही गई थी, माया ने भी तो अनुपमा को बचाने के लिए ही अपनी जान कुर्बान की। हम सब ने देखा कि किस तरह से ट्रक जो है वो अनुपमा को टक्कर मारने के लिए आ रहा था और माया ने खुद अनुपमा को धक्का देकर खुद वो टक्कर खाकर माया मर गई, तब अनुपमा को ये सब नहीं दिखाई दिया था। तो इन्हीं सब बात को लेकर फैन जो है वो अनुपमा को ट्रोल कर रहे हैं। वेल, हम बात करते हैं काव्या के बच्चे की, तो देखते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में क्या दिखाता है, क्या काव्या का मिसकैरेज हो जाता है या फिर प्री मैच्योर बेबी को काव्या जन्म देती है। जो भी होगा आने वाले एपिसोड में पता चल जाएगा। वेल दोस्तों, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इन सब पे, अनुपमा जो कुछ भी कर रही है क्या ये सही है, कमेंट में हमें बताएं। और भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गपशप। तो